करनी सेना का एजेंडा सिंपल सा है, ऐसे अवैध निर्माण तो हिंदुस्तान के अंदर हैं, उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त या तो सरकारें करें, अन्यथा करनी सेना उसके ऊपर अपनी एक रणनीति बनाकर उनके ऊपर अपना अभियान शुरू करेगी। निश्चित तौर पे जो हमने बाबरी ढांचे को गिराने के लिए किया, जो करोड़ों लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में किया, बनारस में क्यों नहीं हो सकता, मथुरा में क्यों नहीं हो सकता, कृष्ण जन्मभूमि में। हाल के दिनों में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा को लेकर करणी सेना काफी सक्रिय हो गई है। वाराणसी में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर इन मुद्दों को उठाया और कहा कि ज्ञानवापी ढांचा विश्वनाथ मंदिर के बगल में ना दिखे। भोले की नगरी में मुगलों ने मंदिर को गिराकर अवैध निर्माण किया, वहां अब एक्शन का समय है। सूरजपाल सिंह ने वाराणसी आने के पीछे एक मकसद पर बात करते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि देश का माहौल खराब होगा तो वो देश छोड़कर चले जाएं। ये देश उनका नहीं है जो वंदे मातरम कहने तक में शर्माते हैं। ये देश उनका नहीं है जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या ओवैसी देश का माहौल खराब नहीं कर रहे। सूरजपाल सिंह ने कहा कि सरकारें देश भर में मौजूद ऐसे सभी अवैध निर्माण को गिराए, नहीं तो करणी सेना रणनीति के तहत अभियान शुरू करेगी। जो बाबरी ढांचे को गिराने के लिए किया गया वो मथुरा और काशी में भी क्यों नहीं हो सकता। जिन लोगों को आज भी मुगलों से प्रेम है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि ये देश उनके बाप का नहीं है। ओवैसी कहते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ियां अयोध्या के मंदिरों को गिरा देंगी, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। मुगलों के साथ आज भी प्रेम है, वो चाहे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाएं। उनके बाप का देश है क्या? देश हमारा है, हिंदुस्तानियों का है, भारतवंशियों का है, ये हमारा देश है। किन लोगों ने यहाँ पर ढांचा बनाया? जिस भोले को करोड़ों अरबों लोग पूजते हैं, आज वहाँ पर जो ढांचा खड़ा है क्या वो वैध है क्या? जो देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, एकता में अखंडता है। ये अखंडता के लिए हम लोग भी चाहते हैं, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, जो बाबरी ढांचे को गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या उसको ये लोग मान रहे हैं? ओवैसी ये कहता है कि हमारी पीढ़ियां इसको आने वाले टाइम में अयोध्या वाले मंदिर को गिरा देंगी, इसकी इतनी औकात हो गई, इतनी हिम्मत हो गई इसकी, मतलब इसकी पीढ़ियां गिरा देंगी। मेरी पीढ़ियां ये जो वर्तमान में जो लोग हैं, जो नौजवान मेरे पीछे खड़े हैं, ये काम नहीं कर सकते क्या? जो इनके निर्माण है, जो मुगलों ने, जो इनके बाप लगते थे बाबर हुमायूं, जो इन लोगों ने निर्माण किए, क्या इनको नहीं गिरा सकते क्या हम? करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने कहा कि हाथरस की बिटिया के मामले में करणी सेना चाहती है कि गुनाहगारों को सरेआम फांसी की सजा हो, लेकिन फांसी दोषी को लगनी चाहिए, निर्दोष को नहीं, क्योंकि ये ऑनर किलिंग का मामला है। जिन बच्चों को आरोपी बताया जा रहा है वो दरअसल वहां मौजूद नहीं थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, राहुल गांधी, प्रियंका एक जाति के पीछे पड़े हैं और उन्हें सरेआम गाली दे रहे हैं। करणी सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारी जाति को टारगेट करके हाथरस में जातीय दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए पीएफआई से फंड मिले हैं। राहुल गांधी के नेता स्वराज जीवन को भी इसी मामले में अलीगढ़ से अरेस्ट किया गया है। कहीं इस साजिश के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि यूपी में जातीय दंगे कराकर सत्ता प्राप्ति के सपने देख रहे हों? जो निर्दोष है उनको लेके का फांसी, जो असली दोषी है, हम कहते हैं ये ऑनर किलिंग का मामला है। जो बच्चे वहाँ मौजूद थे ही नहीं उनको, जो ये भीम आर्मी का रावण है, चंद्रशेखर रावण, ये एक जाति को सरेआम गालियाँ दे रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एक जाति के पीछे पड़े हुए हैं। आज भी मैं आपके चैनलों पर देख रहा था किस प्रकार की स्टेटमेंट है, हमारी जाति को टारगेट किया जा रहा है, हम लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, वो हाथरस के अंदर जातीय दंगे कराने के लिए पीएफआई का फंड बाहर से आ रहा है, उसके अंदर राहुल गांधी के जो कांग्रेस के नेता हैं स्वराज जीवन, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ के अंदर अरेस्ट किया है, ऐसे ही पीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया है। जब इतनी बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है तो क्या इसके पीछे कहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो नहीं? ये कुर्सी के भूखे लोग हैं, ये सत्ता के लालची लोग हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराकर सत्ता प्राप्ति के सपने देख रहे हैं? वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।